नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है। 3 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और भी ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, और 1,000 से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। और WHO ने भी इसे एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस और सारे बिजनेसेस जो है ठप हो चुके हैं। COVID-19 के लिए दोस्तों अभी कोई भी वैक्सीन या फिर एंटीडोट अवेलेबल नहीं है, और इसको अवेलेबल करने में भी लगभग 1 साल का टाइम लगने वाला है। तो यार, अगर किसी को ये COVID-19 की बीमारी हो जाती है तो क्या वो इससे रिकवर कर सकता है? आंसर है हाँ, अगर उस पेशेंट को प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट मिले तो वो रिकवर कर सकता है। तो यार, अभी पूरी दुनिया में इस वायरस को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की हम लोग माने तो यार, जो चाइना का वुहान शहर है जहाँ से ये वायरस आया है, वहाँ पर अभी के लिए फ़िलहाल कोई भी न्यू पेशेंट जो है नहीं पाया गया है COVID-19 का। यानी कि चाइना ने इस बीमारी पर अपना कंट्रोल बना लिया है। अब उन्होंने ऐसा कैसे किया, चलिए जानते हैं। अब यार, ये कुछ हफ्तों पहले की बात है, जब चाइना में ये वायरस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, तो इसको रोकने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों, सभी के सभी एयरलाइंस को बंद कर देना, सभी के सभी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को बंद कर देना, और यहाँ तक कि पूरे के पूरे वुहान शहर को लॉकडाउन कर देना। ये सभी कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे चाइनीज़ गवर्नमेंट के थ्रू, और इन्हीं सभी स्टेप्स से दोस्तों काफ़ी हद तक ये चीज़ कंट्रोल में आ गई। पर फिर भी दोस्तों, अभी भी ये जो है रुका नहीं था, ये ह्यूमन टू ह्यूमन के कॉन्टैक्ट से जो है आगे और भी ज़्यादा फैल रहा था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बड़े बड़े ह्यूज गैदरिंग्स को बैन लगा दिया, और साथ ही साथ जो लोग इन्फेक्टेड थे उनको क्वारंटीन में रखना शुरू कर दिया। क्वारंटीन में रखने का मतलब है दोस्तों कि जो लोग इन्फेक्टेड है उनको आम नागरिकों से दूर रखा जाए, उनको जो है एक सेफ प्लेस पर रखा जाए, जिससे कि दूसरे लोग कॉन्टेमिनेट ना हो पाए और इस बीमारी के फैलने के स्पीड को कम किया जा सके। इस टाइम तक दोस्तों हज़ारों लोग चाइना में इन्फेक्टेड हो चुके थे, और सभी को क्वारंटीन में रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चाइना का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। और इस बात को दोस्तों चाइनीज़ गवर्नमेंट भली भांति जानती थी, इसलिए उन्होंने एक काफ़ी बड़ा मेजर स्टेप उठाया, जो कि था एक न्यू हॉस्पिटल बिल्ड करना, जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि सभी पेशेंट्स को एक साथ जो है ट्रीटमेंट मिल सके। और यार, उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो हॉस्पिटल्स बना के दिखाए, और वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। और यार, ये कोई छोटा मोटा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ये पूरा 34,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ एक बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें कि 1,000 से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और वो भी एक ही साथ। तो यार, सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, 10 दिनों में हॉस्पिटल को बनाना और इतने लोगों को ट्रीटमेंट करना, इजंट इट इम्पॉसिबल? चाइना ने आखिर ऐसा किया कैसे? ये तो यार सुनने में इम्पॉसिबल टाइप का लगता है। तो आखिर इम्पॉसिबल को चाइना ने कैसे पॉसिबल कर दिया? चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ा और गहराई से। तो यार, हिंदी में एक कहावत है ना, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। तो यार, कुछ ऐसा ही हुआ था चाइना के साथ भी। चाइना के पास दोस्तों और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, उनके पास सभी ऑप्शंस जो है ख़त्म हो चुके थे सिवाय इसके। इसीलिए दोस्तों उन्होंने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, लगन के साथ और पूरे शिद्दत के साथ इस काम को दिन रात किया, जिसका रिजल्ट आज आप लोग देख सकते हैं। इसको दोस्तों इंजीनियरिंग वर्ल्ड में एक तरह से मिरेकल माना जा रहा है, चमत्कार माना जा रहा है कि चाइना ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। तो यार, आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतना बड़ा हॉस्पिटल 10 दिनों में कैसे बन गया? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। तो यार, अगर हम लोग चाइना की हिस्ट्री देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि चाइना ने पेंडेमिक के टाइम कोई ऐसा हॉस्पिटल पहली बार बनाया हो। ऐसा पहले भी हो चुका है 2003 में, जब एक कोरोना वायरस फैला था जिसका नाम सार्स था, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। चाइना ने उस चीज़ से भी निपटने के लिए ऐसा ही एक हॉस्पिटल बनाया था, जिसका नाम शाओटोंगशान हॉस्पिटल था, जिसमें कि 1,000 बेड्स की कैपेसिटी थी। और दोस्तों उस टाइम पर इस हॉस्पिटल को बनाने का आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इस हॉस्पिटल के बनने से पहले वहाँ पर सार्स का फैटेलिटी रेट जो था वो 9.6 था। लेकिन दोस्तों इस हॉस्पिटल के बनने के बाद
इसका फैटेलिटी रेट गिर के 1.2 हो गया और वहाँ के स्टाफ्स को भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं पहुँचा। तो यार इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो चाइना में कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है, नया हॉस्पिटल बनाया गया है, उसका मॉडल जो है वो शांगटोंगशान हॉस्पिटल से ही इंस्पायर्ड है। अब दोस्तों जो न्यू कोरोना वायरस हॉस्पिटल कोविड 19 डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है चाइना में, उसका नाम है दोस्तों हमारा हुओशेनशान हॉस्पिटल। हुओशेन दोस्तों एक चाइनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव, तो इन्हीं के नाम पर इस हॉस्पिटल को नाम दिया गया है। पर यार चाइना ने आखिर इसे 10 दिन में कैसे बनाया? चलिए दोस्तों एक बार के लिए मान लेते हैं कि चाइना का जो पास्ट था उसने उसके प्रेजेंट को बचाने में हेल्प किया। उसके पास पहले से ही हॉस्पिटल का नक्शा मौजूद था तो उसने हॉस्पिटल को बनाया। लेकिन फिर भी दोस्तों नक्शा होने से ही हॉस्पिटल इतनी जल्दी नहीं बन सकता है। 10 दिनों के अंदर हॉस्पिटल को बनाना ये काफ़ी मतलब टेढ़ा लगता है ना। तो चलिए देखते हैं आखिर चाइना ने इसे कैसे पॉसिबल किया। तो चलिए दोस्तों हुओशेनशान हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो यार इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को इतने कम समय में कर पाना किसी भी मामूली कॉन्ट्रैक्टर के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझ के इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बड़ी कंपनी के हाथ में दिया जिसका नाम है चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो कंपनी। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करें दोस्तों तो ये कंपनी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर आती है। अब दोस्तों इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए एक प्रॉपर लोकेशन चूज़ किया गया था जो कि वुहान शहर से थोड़ा दूर था। शहर के अंदर हम लोग इसको नहीं बना सकते थे, वहाँ पे बीमारी स्प्रेड होने का खतरा ज़्यादा था, इसलिए इसको बाहर ही बनाया गया। तो जो हॉस्पिटल का लोकेशन था दोस्तों वो शहर से दूर एक ओपन फील्ड में बनाया गया जो कि वुहान शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर था। और इस लोकेशन को चुनने का एक बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पर एक प्री एग्जिस्टिंग रोड जो है पहले से था बना हुआ जो कि हेल्पफुल होता वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यार अब हॉस्पिटल के लिए लोकेशन डिसाइड हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था, अब बारी आती है काम को स्टार्ट करने की। तो यार 23 जनवरी 2020 के अर्ली मॉर्निंग से ही ये काम शुरू कर दिया गया था। सबसे पहला स्टेप था दोस्तों ज़मीन को लेवलिंग करना और सभी पेड़ों को काटकर साफ करना। इसके लिए दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स को काम में लिया गया, फॉर एग्जाम्पल एक्सकवेटर्स हो गया, बुलडोज़र वगैरह हो गया, इन सभी को काम में लेकर दोस्तों वहाँ पर ज़मीन को लेवलिंग किया गया। और दोस्तों 48 आवर्स के अंदर इस पूरे एरिया को 34,000 स्क्वायर मीटर्स एरिया को लेवल कर दिया गया। ग्राउंड को लेवलिंग करने के बाद दोस्तों वहां के सॉइल को स्टेबलाइज किया गया थ्रू द हेल्प ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड्स, सॉइल रेनफोर्समेंट वगैरह किया गया। सॉइल रेनफोर्समेंट टेक्निक्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो दोस्तों उसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसको जो है सॉइल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए परफॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सिंपली हमारा जो है सबसे पहले सैंड का एक लेयर बिछाया जाता है, उसके ऊपर एक जियो टेक्सटाइल फाइबर का लेयर बिछाया जाता है, उसके ऊपर हम लोग प्लास्टिक बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर एक सैंड का लेयर बिछाया जाता है, फिर एक जियो टेक्सटाइल का लेयर, फिर एक प्लास्टिक का लेयर, फिर एक सैंड का लेयर। जब तक जितना हमारा कंपलसरी होता है उतना हम लोग इस तरह का लेयर बिछाते हैं। और सबसे ऊपर में हम लोग एक सैंड का लेयर बिछाने के बाद उसके ऊपर एक कॉन्क्रीट का लेयर बिछा देते हैं। इसी तरह से हमारा सरफेस जो है पूरी तरह से रेडी हो जाता है फर्दर कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर एक सेपरेट टीम ने मिल करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी इस्टेब्लिश किया, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सीवर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया जो कि हॉस्पिटल्स के लिए ज़रूरी होती है। इन सभी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी दोस्तों सेम कंपनी के पास था, लेकिन जो इंटरनेट फैसिलिटी की सुविधा है वो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा दी गई, जैसे कि वावे हो गया, लेनोवो हो गया। तो ये वो दो कंपनीज़ थी जिन्होंने वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराया। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, और वो क्या है, अब दोस्तों यहाँ पर जितना भी काम कंप्लीट हुआ इसको करने में लगभग 3 दिन का समय लग गया और बचे हमारे पास नेक्स्ट 7 डेज। अब दोस्तों इतने कम समय में कोई भी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जैसे कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है उसको बनाया नहीं जा सकता क्योंकि इतने कम टाइम में उसे स्ट्रेंथ ही नहीं मिल पाएगा। तो यार इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही एडवांस मेथड को यूज़ किया गया जो कि आज के टाइम पे हम लोग काम में लेते हैं,
और उस मेथड का नाम है दोस्तों प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन दोस्तों अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आप बस इतना समझ लीजिए कि जो प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता है इसमें हम लोग घर के कुछ मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे कि दीवार हो गया, सीलिंग हो गया, घर का जो स्केलेटन होता है उसको हम लोग ऑफ द साइट दूसरे फैक्ट्रीज में पहले से ही बना करके रखते हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि चाइना को जो है ये प्रीफैब्रिकेटेड यूनिट्स जो है कौन सप्लाई करता था, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पहले से ही जो है चाइना के पास बने हुए थे, ये स्टॉक में थे जिसको चाइना ने बाद में ला करके वहाँ पर असेंबल कर दिया। अब यार जो प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन है ये एक बहुत ही एडवांस मॉडर्न टेक्निक है जो कि आज के टाइम पे यूज़ में लाया जा रहा है कोई भी स्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं पर थोड़े से खर्चीले पड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस वक्त चाइना के लिए कॉस्ट मायने नहीं रखता था, उनके लिए मायने रखता था स्पीड ऑफ वर्क एंड टाइम। जितना जल्दी हो सके उन्हें जो है ये हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ये प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन को चुना। अंग्रेज़ी में एक कहावत है ना दोस्तों नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे कि टाइम इज़ मनी, टाइम ही पैसा होता है, लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन में चाइना के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं था, काफ़ी सारे लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी, इसलिए चाइना के लिए ये कहावत एक तरह से कह सकते हैं टाइम इज़ लाइफ बन चुका था, इसलिए चाइना को जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल रेडी करना था। तो यार इसीलिए यहाँ पर प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन को काम में लिया गया। अब प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन को किन किन स्टेप्स में यहाँ पर किया गया वो चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये हॉस्पिटल 34,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है और साथ ही साथ ये हॉस्पिटल एक मंजिला नहीं बल्कि दो मंजिला है। तो यार इंजीनियर्स के लिए सबसे पहली चुनौती ये थी कि हॉस्पिटल के स्केलेटन को बनाया जाए। तो हॉस्पिटल के स्केलेटन को बिल्ड करने में दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। 28 जनवरी को जो है ये हॉस्पिटल का स्केलेटन लगभग में रेडी हो गया था। इसके बाद दोस्तों जैसे ही हॉस्पिटल का स्केलेटन रेडी हुआ 29 जनवरी से वहाँ पर प्रीफैब्रिकेटेड वॉल्स और सीलिंग्स का इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया गया और ये 30 जनवरी तक कम्प्लीट भी हो गया। इस हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन को दोस्तों चाइना में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था जिसको कि लगभग 18 मिलियन पीपल्स देख रहे थे लाइव। और दोस्तों ये लाइव ब्रॉडकास्ट जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो है लोगों को एक तरह से उम्मीद मिल गई थी कि हमारी हालत जो है बेटर हो सकती है। इस हॉस्पिटल में हर एक रूम की डायमेंशन दोस्तों 100 स्क्वायर फीट की थी जिसमें कि दो बेड्स जो है आसानी से आ सकते थे, इंक्लूडिंग अदर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉयलेट वगैरह हो गया, तो इन सभी चीज़ों को जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। और साथ ही साथ दोस्तों इस हॉस्पिटल में 30 इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी बनाए गए हैं। अब दोस्तों इस हॉस्पिटल में जितने भी रूम थे सभी रूम्स को जो है आइसोलेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया था। इन रूम्स को दोस्तों क्वारंटीन रूम इसलिए बनाया गया ताकि COVID-19 डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड ना हो सके। इन रूम्स में दोस्तों एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम्स जो है अवेलेबल थे जिसके कारण इस रूम में जो है ऑलवेज नेगेटिव प्रेशर बना हुआ रहता था ताकि जो क्वारंटीन रूम के अंदर का हवा है वो डायरेक्टली बाहर जा सके एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो हमारा मरीज क्वारंटीन में रखा गया है उसका जो हवा है वो बाहर एग्जॉस्ट किया जा रहा है, तो क्या ये दूसरे लोगों के लिए कॉन्टेमिनेशन का कारण बन सकता है, दूसरे लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यार जो ये कोरोना वायरस है ये हवा से स्प्रेड नहीं होता है, ये हवा में ओनली 3 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकता है, इसलिए हवा से जो है ये इन्फेक्शन फैल नहीं सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा थ्रू द एयर। तो यार इसी तरह से 31 जनवरी तक लगभग पूरे हॉस्पिटल को असेंबल कर दिया गया था। और दोस्तों इसके बाद ज़रूरत थी सभी मशीनों की टेस्टिंग करने की जो कि 2 फरवरी तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब दोस्तों चाइना ने हॉस्पिटल तो कंप्लीट कर लिया था लेकिन उनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हॉस्पिटल में काम करने के लिए उतने स्टाफ्स ही अवेलेबल नहीं थे क्योंकि हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था और उतने स्टाफ्स चाइना के पास नहीं थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों चाइना ने चाइनीज़ मिलिट्री आर्मी के सोल्जर्स को, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को वहाँ पर पोस्टिंग कर दिया और एज अ वहाँ पे मेडिकल स्टाफ के रूप में काम करने को कहा। चाइना के लिए दोस्तों ये समय बहुत ही कठिनाइयों से भरा था लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर काबू पा लिया। इसके बाद दोस्तों 3 फरवरी को हुशेंगहान हॉस्पिटल में अर्ली मॉर्निंग में ही पहला पेशेंट जो है एडमिट किया गया और इसके कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे कई सारे पेशेंट्स जो है एडमिट हुए और फिर हज़ारों की तादाद में इस हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया।
तो दोस्तों कुछ इसी तरह से चाइना का हुशेंगहान हॉस्पिटल जो है कंस्ट्रक्ट किया गया, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। ये हॉस्पिटल दोस्तों 34,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है और इसमें दो फ्लोर्स हैं और इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी है दोस्तों 1,000 बेड्स। ये हॉस्पिटल बनाना दोस्तों एक तरह से काफ़ी बड़ा चैलेंज था चाइना के इंजीनियर्स के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इस हॉस्पिटल को बनाने में दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर 7,000 से ज़्यादा मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया 2400 घंटे, और यहाँ पर 3 शिफ्ट्स में काम होता था दोस्तों। दिन रात काम करके ये हॉस्पिटल जो है 10 दिन के अंदर इन्होंने तैयार करके दिखाया। तो यार ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है चाइना के लिए, और एक तरह से ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि इतने कम समय में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के दिखाया इन्होंने। और यार सिर्फ यही नहीं, हुशेंगहान हॉस्पिटल के ओपनिंग के ठीक 3 दिनों के बाद चाइना ने एक और हॉस्पिटल को जो है तैयार कर दिया, जो कि हुशेंगहान हॉस्पिटल से भी ज़्यादा बड़ा था और उसकी कैपेसिटी 1600 बेड्स की थी, जिसका नाम है दोस्तों लीशेंगहान हॉस्पिटल। लेकिन दोस्तों इस टाइम तक चाइना में लगभग 60,000 से 70,000 लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, इसलिए दो हॉस्पिटल्स बनने के बावजूद भी वहाँ पर जो है बेड्स की कमी हो रही थी। तो चाइना ने बड़े बड़े स्टेडियम्स को और एग्जीबिशन हॉल्स को एज अ हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट दोस्तों आज आप लोग देख सकते हैं। चाइना ने कोविड-19 डिजीज़ पर अपना पूरा कंट्रोल पा लिया है। आज की डेट में वहाँ से कोई भी ज़्यादा न्यू केसेस जो है नहीं आ रहे हैं, 2-3 ही ऐसे केसेस हैं जो वहाँ पर पाए गए हैं न्यू, ओके। जबकि कुछ हफ्तों पहले अगर देखा जाए, एक दिन ऐसा भी था चाइना में जब एक दिन में वहाँ पर 20,000 न्यू केसेस बने थे, लेकिन दोस्तों आज चाइना ने इस पर काफ़ी हद तक 99% अगर कहें तो कंट्रोल पा लिया है, क्योंकि अभी वहाँ पर न्यू केसेस जो है आने काफ़ी बंद हो गए हैं। अब यार मोस्ट प्रोबेबली सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी चाइना में, तब इन हॉस्पिटल्स का आखिर क्या होगा, इनमें आखिर कौन एडमिट होगा, या हॉस्पिटल्स तो पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। तो यार फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हॉस्पिटल कोई परमानेंट हॉस्पिटल नहीं है, ये एक टेम्प्ररी स्ट्रक्चर है जो कि प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया गया है। इसे जब चाहे तब वापस से खोल करके रखा जा सकता है। ये एक तरह से बैकअप ऑप्शन है चाइना के लिए, एक तरह से उनके लिए बैकअप बन चुका है। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई पैंडेमिक फैलता है तो चाइना उसके लिए रेडी रहेगा। चाइना के अलावा दोस्तों दो और ऐसी कंट्रीज़ है जो कि कोविड-19 डिजीज़ पर अपना कंट्रोल पा चुकी है, और वो है साउथ कोरिया और ताइवान। क्योंकि दोस्तों 2003 में फैले सार्स वायरस से इन दो कंट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए इन्होंने पहले से ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना के रखा, जिससे कि वहाँ पर कोविड-19 डिजीज़ पर काबू पाया गया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि कोविड-19 से बहुत ही बुरी तरह से ग्रस्त है और काफ़ी लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। फॉर एग्जांपल दोस्तों इटली में अभी तक 5,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 से मर चुके हैं, तो वहां का डेथ रेट जो है बहुत ही हाई है। अब यार अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया अभी सेकेंड स्टेज में है कोविड-19 डिजीज़ के, और एक हफ्ते के अंदर ये थर्ड स्टेज में भी पहुँच जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इंडिया के पास दो ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ऑप्शन गवर्नमेंट के हाथ में है और एक ऑप्शन पब्लिक के हाथ में है। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों चाइना की ही तरह सेम बिल्कुल इंडिया में भी गवर्नमेंट कुछ ऐसे कड़े स्टेप्स उठाए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करे, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पब्लिक को इसके बारे में एजुकेट किया जाए और डिसिप्लिन एक प्रॉपरली मेंटेन करके रखा जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो इंडिया का फ्यूचर फिलहाल के लिए इंडिया के पब्लिक के हाथों में है। अब पब्लिक जिस तरह से रिएक्ट करेगी इस वायरस के अकॉर्डिंग, वैसा ही हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों इसीलिए लोगों को ये समझना होगा कि अगर उनको घर में रहने को कहा जा रहा है, मोदी जी अगर कर्फ्यू का ऐलान कर रहे हैं तो उन्हें उसका पालन करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अगर उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है तो उन्हें क्यों रखा जा रहा है। आइसोलेशन में रखने का कारण ये है दोस्तों कि इस बीमारी के स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सके, इसके स्पीड को कम किया जा सके। तो अगर आप आइसोलेशन में हैं तो आपको ये समझना चाहिए और आपको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाल ही में दोस्तों कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि पंजाब में 9 लोग आइसोलेशन से फरार हो गए और उन्होंने काफ़ी लोगों तक ये वायरस स्प्रेड किया। तो दोस्तों इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, क्या वो 9 लोग इसके ज़िम्मेदार हैं? नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी बन गई है, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप में फेक मैसेजेस इतने फॉरवर्ड करते रहते हैं। फेक मैसेजेस के कारण ही दोस्तों आज के टाइम पे लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा डर बैठ चुका है इस वायरस को लेके।
तो यार प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हाट्सएप जो है वो न्यूज़ के लिए नहीं है, तो प्लीज़ आप इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप इज़ नॉट फॉर न्यूज़ पर्पज़। न्यूज़ पर्पज़ के लिए दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स अवेलेबल है, देश की मीडिया अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है जो अपना काम काफ़ी अच्छे से करिए। तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप में ऐसे कोई वायलेंट मैसेज स्प्रेड ना करें जो कि पब्लिक को मिसगाइड करती है। तो दोस्तों आई होप आप इस प्रॉब्लम की गहराई को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा। टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।